बर्ड वॉच न्यूज चैनल के सभी दर्शकों को विकास अग्रवाल का नमस्कार। दमोह शहर व आसपास की ताजा खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें व बेल आइकॉन जरूर दबाएं, जिससे आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। आइए नजर डालते हैं बड़ी खबर पर। जबलपुर नाके में कलेक्ट्रेट के समीप जबलपुर से जाने वाले हाईवे मार्ग पर दोपहर अचानक हाई टेंशन लाइन चालू हालत में टूटकर मुख्य मार्ग पर जा गिरी। गनीमत रही कि मंगलवार होने की वजह से क्षेत्र की पूरी दुकानें बंद थीं, आवागमन भी कम था, जिससे बड़ा हादसा टल गया, अन्यथा कई लोगों की मौत हो सकती थी। आइए सुनते हैं क्या कहना है प्रत्यक्षदर्शियों का। अभी 15 मिनट पहले 1100 का मेन लाइन का तार टूट के गिर गया। 15 फीट हो गए हैं, अभी तक MBB से कोई नहीं आया है, फोन लगाया जा चुका है। और आज मंगलवार था, दुकानें बंद थी, इसलिए कोई अप्रिय घटना नहीं घटी। यदि कोई बाजार का चालू दिन होता तो कोई बहुत बड़ी बुरी दुर्घटना घट सकती। अभी इसमें करंट है, MP वाले नहीं आए अभी। अभी इसमें करंट अभी आ गए हैं, देखने आ रहे हैं या आने वाले होंगे, फोन लगा दिए, उन्होंने बोला भेज रहे हैं 5-10। हो गया है यहाँ अचानक एकदम से लाइट का तार गिरा, खूब जोर से आवाज आई। हाँ। तार अभी भी चालू है, अगर कोई वहाँ पहुँच जाएगा तो अभी भी मरने की खतरा है। अच्छा, बहुत बड़ा जी, हाई टेंशन लाइन है। अभी लाइट की गाड़ी आई नहीं आई कोई अभी क्या? अभी लाइट की गाड़ी नहीं आई वाली, अभी चालू भी है लाइट, अगर कोई गाय या कोई आदमी है तो खतरा हो सकता, मर सकता। क्या नाम है तुम्हारा? क्या नाम है आपका? चंद्र प्रकाश श्रीवास्तव। यहीं रहते हो? हाँ। दादा अब चालू कहाँ लाइन जावे।